आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। क्या क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? आरिफ और सलीम को चाहिए था कि अब्बा और अम्मी के साथ बैठकर अपनी बात कहते और समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करते। ये ज़्यादा उचित था। उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? अपने अनुसार खाना पकाने का अधिकार, घर के हर कार्यों या कामों को करवाने के अधिकार, दोस्तों से बात करने का अधिकार, दोपहर में सोने का अधिकार, तो ये सारे अधिकार छीने होंगे क्योंकि खाना अपने मन के बनवाती थी मम्मी और काम भी अपने मन का करवाती थी। ये करो, ये मत करो, ये करो, ऐसा पहनो, ठीक है, तो ये काम भी नहीं करने देती थी। दोस्तों से इससे मत बात करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये अभी मत सो, जल्दी जग जाओ, ये सब अधिकार छीन लिए होंगे। बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। पुराने समय में राजा का आदेश सबके लिए होता था। वह पूरी प्रजा पर राज करता था, मतलब धनी लोगों पर भी और गरीब लोगों पर भी उसके आदेश लागू होते थे। सब पर वह शासन करता था, सब उससे डरते और उसका आदेश मानते थे। बादशाह यानी कि राजा के इसी अधिकार को बादशाहत कहते हैं। ठीक,